तो असल में वो डोमेन्स हैं क्या है एक्चुअली में, क्योंकि मीट अच्छा पर्पस के लिए इन माय ओपिनियन ये ब्रीड इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है आज के दौर में कि मीट पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो और क्या डोमेन्स हैं जिसकी तरफ आप डाइवर्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस को और फैलाने के लिए? देखिए, मैं आपको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। मैंने जैसा कि अभी आपसे पहले डिस्कस किया था ना कि हमारे पास ब्लड लाइन ब्रीड के अंदर बिल्कुल, ब्रीडर भी होगा और फीमेल भी फीमेल होगी, भी होगी, बकरी तब भी भी होगी। हमारे पास अगर बकरी 2 बच्चे दे रही है या 3 बच्चे दे रही है तो हर बच्चा क्वालिटी वाइज 100% नहीं नहीं होता। होता, तो हमारे पास कभी 20,000 वाला बच्चा भी पैदा होता है, 25,000 वाला भी बच्चा पैदा होता है जो आम तौर पे कुर्बानी लवर लेके जाते हैं। बिल्कुल वो अपने पास उनको कुर्बानी की नीयत से पालते हैं, इंटीरियर ठीक सिंध है, में पालते हैं या कराची में डिफरेंट सही फार्म है, से वहाँ पर पालते हैं। जो पॉइंट्स के हिसाब से पूरा बच्चा होता है, ब्रीडिंग क्वालिटी का होता है, अगर तो मेरे पास बैकएंड पे नहीं है तो मैं अपने पास ब्रीडर के बैकएंड पे वो बच्चा रेडी करता हूँ। अगर मेरे ओके पास है तो मैं, अगर कोई और दूसरा फार्मर जिसके पास नहीं है, मैं उसको सेल करता हूँ। ठीक अगर है, एक नॉर्मल कुर्बानी वाला जो बच्चा है, जो कि आपको 1 साल के बाद या 1.25 साल के बाद पालने के बाद कुर्बानी करनी है, वो गुलाबी का कम से कम भी बच्चा आपको 25-30 हज़ार रुपये का बिकता है। कितनी अगर एज का? 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने ठीक है मैक्सिमम, जो दूध छोड़ते जाते हैं ना बच्चे, फिर ठीक वो है, मार्केट होते जाते हैं। ओके जब तक वो माँ के दूध पे हैं तो आमतौर पर उनको सेल नहीं किया जाता, नए बंदे को तो बिल्कुल नहीं करते। हाँ, अगर कोई शौकीन है, पालना जानता है और ख्याल रख लेगा तो उसको हम सेल कर देते हैं। दूसरे जो ब्रीडिंग क्वालिटी के बच्चे आते हैं वो फार्मर लेके जाता है और फार्मर फिर अच्छे पैसों में लेके जाता है। वो जो ब्रीडर क्वालिटी के बच्चे होते हैं वो कम से कम भी 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक के बिकते हैं। और अगर इसी में फीमेल्स आपके पास अगर पैदा हो जाती हैं, और फीमेल्स, एक तो फीमेल्स भी हर मतलब अच्छी भी पैदा होती हैं, हर क्वालिटी के हिसाब से ठीक पूरी, है, और कुछ कम भी होती हैं। हमारा उसूल है जो कम पैदा होती हैं, जो जो अपने क्या कहते हैं पॉइंट्स के अंदर पूरी नहीं होती, हम उनको मार्केट में दे देते हैं, मंडियों में बेच देते हैं। जो पॉइंट्स के हिसाब से पूरी होती हैं, अगर हमारी कैपेसिटी है तो हम उसको अपने शौक के लिए रखते हैं। नहीं होती हमारे पास कैपेसिटी, हमारे पास मिसाल के तौर पे एक फार्म पे 100 जानवरों की गुंजाइश है, अब मेरे पास 110 हो रहे हैं, तो वो जो 10 हैं ऊपर की वो मैं किसी दूसरे फार्मर को सेल आउट कर देता हूँ और वो शौक की कीमत में बिकती हैं। शौक की ठीक है, कीमत में जो छोटी फीमेल है इस वक्त बिल्कुल पैदा हुई हुई, जो 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन की जो फीमेल होती है ना, वो कम से कम भी 1 लाख रुपए से लेके अच्छा, 2.5 लाख रुपए तक की बिकती है। और उससे ऊपर एज की? उस जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती रहेगी।